अब बात बांसवाड़ा लोकसभा सीट की। आदिवासी बहुल मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की बांसवाड़ा लोकसभा सीट वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी कांग्रेस से इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही। इस बार के लोकसभा चुनाव में शायद डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय सीट ही राजस्थान की इकलौती सीट है जहां करीब एक दशक बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहां पर भाजपा से कनकमल कटारा को टिकट दिया गया है, कांग्रेस से ताराचंद भगोरा हैं और वहीं बीटी से कांतिलाल रोत मैदान में हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये दो जिलों से मिलकर बना है। ये दो वो जिले हैं जो टीएसपी क्षेत्र कहलाते हैं और यहाँ पर सरपंच से लेकर प्रधान, विधायक, सांसद, जिला प्रमुख सारे पद एसटी के लिए रिजर्व हैं। 100% रिजर्वेशन है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए भी कोई सीट नहीं है जी। और हमारे लिए ओबीसी के लिए भी कोई सीट नहीं है और सवर्णों के लिए भी कोई सीट नहीं है। 100% रिजर्वेशन वाले दो जिले हैं, इनकी एक लोकसभा सीट है। इनमें कांग्रेस ने परंपरा डाल रखी है कि एक बार तो बांसवाड़ा का आदमी खड़ा होता है, एक बार डूंगरपुर का होता है। पिछली बार बांसवाड़ा की बारी थी तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, उनकी पत्नी रेशमा मालवीय को टिकट दिया गया, लेकिन वो हार गई। मानशंकर निनामा को बीजेपी ने टिकट दिया, वो जीत गए। इस बार मानशंकर निनामा का टिकट बीजेपी ने काटा और रेशम मालवीय को इसलिए दिया गया क्योंकि इस बार बारी डूंगरपुर की थी जी। तो ताराचंद भगोरा 3 बार वहां से सांसद रह चुके हैं। जब डूंगरपुर बारी आती है तो कांग्रेस ताराचंद भगोरा को देती है और ताराचंद भगोरा जीत के चले जाते हैं जी। वो अपराजय रहे अब तक 3 बार में, लेकिन वो लड़ते तभी हैं जब डूंगरपुर जिले की बारी होती है। बांसवाड़ा की बारी होती है तो एक बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय रह चुके हैं वहां से एमपी, एक बार उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा है तो वहां पर प्रभुलाल रावत ने भी चुनाव लड़ा कांग्रेस से, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी बांसवाड़ा जब टर्न आता है तो कांग्रेस के लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। अब इस वक्त बीटीपी वहां मैदान में आ गई है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। उसने 2 विधानसभा क्षेत्र जीत लिए इसमें 8 में से विधानसभा चुनाव में, तो वो थर्ड फोर्स हो गई वहां पर। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की जहां पर थर्ड फोर्स का वजूद 20-25-30 सालों से। मामा बालेश्वर दयाल हुए थे समाजवादी नेता, गढ़ी में, बागीडोरा में, उस इलाके में एक गैर हिंदुत्ववादी कांग्रेस विरोधी दल समाजवादी पार्टी उनके फॉलोइंग में डेवलप हुई थी। समाजवादी लोग थे वो, जनता दल धर्मनिरपेक्ष जनता दल के नाम पर वहां से 2-3 सीटें हमेशा जनता दल को मिलती रही है। फतेह सिंह जीतते रहे हैं और इस तरह, लेकिन वो धीरे धीरे मामा बालेश्वर दयाल के दुनिया से जाने के बाद धीरे धीरे उनकी फॉलोइंग विलुप्त होती चली गई। वो बाकी जो पीछे लोग थे उसको संभाल के नहीं रख पाए, लेकिन एक कांग्रेस विरोधी, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी एक थर्ड फोर्स वहाँ मैदान में थी इनकी अनुसूचित जनजाति के लोगों की, और अब वो बीटीपी के रूप में उभर के आई है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को कर रही है। ताराचंद भगोरा डूंगरपुर के हैं और कांग्रेस ने डूंगरपुर की बारी का सम्मान करते हुए उनको टिकट दे दिया। बीजेपी ने मानशंकर निमाना का टिकट काट के कनकमल कटारा को टिकट दिया है। कनकमल कटारा पहले मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में और वो जो सवर्ण इस इलाके के जी। जो खुद को बड़ा पीड़ित सा महसूस करते हैं क्योंकि 100% रिजर्वेशन है यहाँ पे, लेकिन सवर्णों को कनकमल कटारा कनेक्ट करते हैं कनकमल कटारा के साथ, क्योंकि पार्टी भी बीजेपी प्रो सवर्ण मानी जाती है, सवर्णों को अपनी सी रखती है, मोदी की पार्टी, मोदी मोदी करने वाले लोगों की पार्टी। तो वो कनकमल कटारा को इस बार भरोसा मोदी लहर का है, पिछली बार मोदी लहर ने जिताया था। अदरवाइज ये प्रो कांग्रेस सीट है, पर मोदी लहर आ गई, इस बार भी अगर मोदी लहर चल गई तो कांग्रेस के लिए पार पाना मुश्किल होगा। और कांग्रेस के लिए एक साथ हो गई ना, एक तो मोदी लहर और दूसरा बीटीपी जी, दोनों एक साथ दो चीजें हो गई उनके साथ। तो बीटीपी से जो लड़ रहे हैं रोत, कांतिलाल रोत, वो नौजवान भी हैं और नौजवानों को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। तो हालांकि नौजवानों को अट्रैक्ट करने का ये मतलब भी है कि मोदी मोदी करने वालों को भी नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे हूँ, क्या पता जी। हाँ, ये भी बात हो सकती है, ये बात भी एक फैक्टर है। अगर नौजवानों को खींच के ले आते हैं तो वो मोदी की तरफ अट्रैक्ट हैं, लेकिन अगर एंटी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का वोट बट रहा है तो फिर कांग्रेस को नुकसान है। और अभी शुरू में ऐसा माना जाता था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ताराचंद भगोरा साथ नहीं देंगे,
उन्होंने शुरू में भी कहा था कि मैं बाड़ी डूंगरपुर की इसका सम्मान करूंगा, लेकिन डूंगरपुर में किसी नौजवान को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उनकी बात चली नहीं क्योंकि पार्टी ने 3 बार जीते हुए सांसद को टिकट नहीं देने का जोखिम नहीं उठाया, उन्हीं को दिया। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ताराचंद बघोरा, दिल्ली में भी उनकी पहचान अच्छी है, दिल्ली में भी उनका नाम जाना जाता है, हालांकि कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं दिखाया उन्होंने कभी, लेकिन अपने से लगते हैं वहाँ के आदिवासियों को, बड़ा एक शान सरल सा व्यक्ति है, हमारे स्टूडियो में भी आए थे, जी जी हाँ बिल्कुल वही किया था, लगा ही नहीं कि 3 बार का सांसद के साथ हम बैठे हैं, वो सहज व्यक्ति है बिल्कुल, तो शायद उनकी सहजता ही उनकी एकमात्र धरोहर है जिसको लेकर के वो खड़े हैं मैदान में, तो वो अपनी सहजता से सरलता से हो सकता है, लेकिन पहले माना जाता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय शायद साथ नहीं देंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमको रिपोर्ट मिली है महेंद्रजीत सिंह मालवीय साथ दे रहे हैं, और उनका साथ देना इसलिए भी लाजमी है कि हो सकता है 5 साल बाद जब वापस बांसवाड़ा का टर्न आए ताराचंद बघोरा टिकट ना मिले तो फिर ताराचंद बघोरा का सहयोग उनको चाहिएगा अगर रेशमा मालवीय खड़ी होती हैं या खुद खड़े होते हैं तो, इसलिए वो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखे, और कांग्रेस के ऊपर से जो नेताओं ने अनुशासन की बात की होगी कुछ समझाया होगा, ऐसा लग रहा है कि वो साथ दे रहे हैं बांसवाड़ा में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये ट्रेंगुलर फाइट होने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि फाइट तो ट्रेंगुलर हो रही है क्योंकि तीसरा पक्ष आ गया है, और कनकमल कटारा भी सबके परिचित हैं, ताराचंद बघोरा भी सबके परिचित हैं, लेकिन बांसवाड़ा में 2-3 बड़े भारी मुद्दे हैं। एक तो बांसवाड़ा में रेल का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बांसवाड़ा में आपको ध्यान हो सोनिया गांधी रेल का उद्घाटन शिलान्यास करके आई थी पर बांसवाड़ा में रेल नहीं पहुंची, तो रेल का मुद्दा, अमान परिवर्तन का मुद्दा, और वहां पर पानी जो टेल एंड पर नहीं मिलता, बांध के टेल एंड पर पानी नहीं मिलता, गांव प्यासे रहते हैं, वो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो मुद्दे अपनी भूमिका अदा करते हैं। एक वहाँ परमाणु बिजली घर बनाने की बात थी, उसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन हुआ, मुझे अभी नहीं पता इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है उसमें, लेकिन आदिवासी ने बड़ा भारी विरोध किया जमीन के अधिग्रहण का, तो वो भी एक वहाँ मुद्दा रहा है, अब है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो परमाणु उसके लिए बिजली का, अदरवाइज बांसवाड़ा में जगह जगह तालाब हैं, झीलें हैं, पानी हैं, आदिवासियों को खजूर के पेड़ हैं, डूंगरपुर में बहुत अच्छा इलाका है, राजस्थान के कोने में है, गुजरात से लगा हुआ, मध्य प्रदेश से भी लगा हुआ, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, पर 100% पद वहाँ रिजर्व हैं एसटी के लिए, एसटी का प्रत्याशी खड़ा हो सकता है, 2 जिले हैं इसलिए बारी बारी से एक जिले का एक खड़ा होता है, तो अब देखना यह है कि डूंगरपुर कनकमल कटारा के साथ जाता है ताराचंद बघोरा के साथ, फिर उसके साथ ताल में ताल कौन मिलाता है, बांसवाड़ा में किसके साथ ताल में ताल मिलाई जाती है, और बीटीपी क्या डैमेज करने वाली पार्टी बनती है या बीजेपी बीटीपी इन दोनों के बीच में अपना रास्ता निकाल के आगे ले जाती है, परचम फहरा देती है, क्योंकि 2 MLA इस वक्त उसके चुन के आ चुके हैं। अनिल जी, एक मेरे मन में एक सवाल है, आपने कहा चाहे बीटीपी अब उदय हुई है, उससे पहले भी वहां पर ये सामाजिक आंदोलन चलते रहे हैं, जो बीटीपी कहती है, जो उनकी बात है, जिस बात को लेकर वो चलती है, क्या कभी बीजेपी या कांग्रेस ने कोशिश नहीं की उन बातों को मुद्दा बनाने की, लोगों के बीच में जाने की? मैं इसको ये तो सर्टेनली नहीं कह सकता कि उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया होगा, बनाया होगा, पर आदिवासियों के वोट लेने के बाद मैंने किसी पार्टी को वहां गंभीरता से उनके लिए काम करते नहीं देखा, और आदिवासी चूंकि 5 साल तंग नहीं करते, बहुत ही निचले लेवल पर दबे हुए लोग हैं, उस तरह के लोग हैं, वो मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, खेतों में काम करते हैं, हाली काम करते हैं, वहां पर वो जागृति नहीं, क्योंकि सवर्ण तो बिल्कुल सोया हुआ सा है वहाँ पे, क्यों उसको पता है बीच में एक वहाँ पे राजपूत समाज ने और एक समानता मंच खड़ा कर लिया था, समानता मंच ने 10,000 लोगों की रैली निकाली, पर नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि सब कुछ रिजर्व, रैली निकाल के भी क्या कर लोगे आप जी। तो वहाँ पर जो वर्ग जागरूक होके सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर सकता है, इलाके के विकास की बात कर सकता है, चुने हुए सांसद विधायक से मंत्री से सवाल जवाब कर सकता है, वो वर्ग तो सुसुप्त हो जाता है कि हमारा क्या लेन देना, हमारा सरपंच नहीं बन सकता, हमारा प्रधान नहीं बन सकता, हमारा जिला प्रमुख नहीं बन सकता, हमारा सांसद नहीं बन सकता, हमारा विधायक नहीं बन सकता, तो हमें क्या लेने देना। तो वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप होती है अदर कास्ट में, एससी में भी डेवलप नहीं हो रही, ओबीसी में भी डेवलप नहीं हो रही, सवर्णों में भी डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि वो इतना बड़ा वर्ग सुसुप्त हो गया इसलिए, और आदिवासी इस स्थिति में होते नहीं है कि चुने हुए व्यक्ति सवाल कर पाएं, तो इसलिए मुद्दे चुनाव के समय जरूर उठाए जाते होंगे, बात की जाती होगी, आश्वासन दिए जाते होंगे, पर बाकी 5 साल मैंने किसी कमिटमेंट के साथ लगते हुए नहीं देखा। सिर्फ मामा बालेश्वर दयाल थे, उनकी फॉलोइंग थी, उनकी फॉलोइंग के 2-3 विधायक हमेशा चुन के आते थे गढ़ी से, बागीडोरा से, वो जरूर आदिवासियों के लिए काम करते थे, पर वो एक तरह से सेमी
मार्क्सिज्म माना जाता था उसको, मार्क्सिज्म नहीं कहते एग्जैक्टली पर सेमी मार्क्सिज्म था वो वहाँ पे, जो शांत होते थे, उग्र नहीं होते थे, पर कम्युनिज्म की तरफ उनका झुकाव था जी। पर मामा बालेश्वर दयाल के जाने के बाद धीरे धीरे वो विरासत लुप्त हो गई, एक सीट पर रह गए, फिर उसके बाद में वो फॉलोइंग डेवलप नहीं हो पाई जी। और अब ये बीटीपी का डेवलपमेंट हुआ है, तो बीटीपी प्रो लेफ्ट रहेगी, प्रो राइट रहेगी, मध्य मार्ग में रहेगी, ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन एग्रेशन है बीटीपी में आदिवासियों के अधिकारों के प्रति, उनके वेलफेयर के प्रति, उनके विकास के प्रति, क्योंकि वो अभी सत्ता में नहीं है, सिर्फ दो विधायक चुन के आए हैं, आगे बढ़ने का उसको रास्ता बनाना है, तो आगे बढ़ने का रास्ता बनाने के लिए वो एग्रेशन के साथ इन मुद्दों को उठाएगी और उठाए रखेगी, ऐसा मुझे लगता है अगले 5 साल जी। चलिए, सत्ता संग्राम में आज हमने दो लोकसभा सीट की बात की, उदयपुर की और बांसवाड़ा डूंगरपुर की, दोनों ही जगह भारतीय ट्राइबल पार्टी जी, वो तीसरा मोर्चा बन के उभर रही है, दोनों एसटी सीटें हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 29 अप्रैल को मतदान के दिन मतदाता का रुझान किसकी तरफ रहता है। सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।